जी अस्सलाम वालेकुम, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और आज के लेक्चर में हमने जिन दो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करनी है उनमें द फर्स्ट वन इज नमोनिया एंड द सेकंड वन इज एस्थमा। एज यूजुअल हम नमोनिया और एस्थमा के बारे में भी मेनली तीन चीजों के हवाले से ही बात करेंगे कि इनकी कॉज क्या होती है, जब ये डिजीजेज होती हैं तो इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं और इनका इलाज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं नमोनिया से। और सबसे पहली बात नमोनिया के बारे में जो आपकी बुक वाला कह रहा है बेटा, वो ये है कि नमोनिया इज बेसिकली इंफेक्शन ऑफ लंग्स। ये बुनियादी तौर पे फेफड़ों का एक इंफेक्शन है, यानी ये कैसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम तौर पे नमोनिया एक फेफड़े में होता है, बट इफ इट अफेक्ट्स द बोथ ऑफ द लंग्स एट द सेम टाइम, इसको हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं। हम कहते हैं जी कि इफ इट अफेक्ट्स बोथ लंग्स, अगर दोनों फेफड़ों को एक ही टाइम पे नमोनिया अफेक्ट करे तो वी कॉल इट डबल नमोनिया। लेंज एक के बजाय दो, हम इसको डबल नमोनिया कहते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी होगी डबल नमोनिया की, कि डबल नमोनिया क्या है। अब आपने डबल नमोनिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी कि जिसको दो बार नमोनिया हो जाए उसको डबल नमोनिया कहेंगे। भाई इफ द लंग्स, इफ द नमोनिया अफेक्ट्स अ सिंगल लंग तो उसको हम नमोनिया बोलेंगे, अगर ये दोनों लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं तो वी से दिस इज बेसिकली डबल नमोनिया। अब बात को आपने जरा समझना है कि एक्चुअली इस बीमारी में होता क्या है, इसकी कॉज की बात करते हैं जी। सबसे जो मेजर कॉज है नमोनिया की वो एक बैक्टीरिया है बेटा, जिसको हम कहते हैं जी स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। इस बीमारी के नाम से ही बैक्टीरिया का भी नाम है, या इसे समझिए बैक्टीरिया के नाम से बीमारी का नाम है। सो वी हैव दिस बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ये बैक्टीरियम कहा जाता है जी कि मेन वजह है इस बीमारी की। होता क्या है कि ये बैक्टीरिया बेचारा किसी ना किसी तरह हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, और जब ये लंग्स तक पहुंचता है तो वहां जाके फिर ये लंग्स को डैमेज करता है, वहां इंफेक्शन कॉज करता है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के अलावा कुछ वायरल और फंगल इंफेक्शंस भी जो है नमोनिया कॉज कर सकते हैं। वायरल इंफेक्शंस और फंगल इंफेक्शंस भी नमोनिया कॉज कर सकते हैं। वायरल इंफेक्शंस को भी आपकी बुक वाले ने स्पेसिफाई किया है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो आपकी बॉडी में नमोनिया कॉज कर सकता है। अब ये तो बात हमने कर ली कॉजेस की, अब समझिएगा कि होता क्या है। देखिए जी, ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया या वायरल वायरस कोई इन्फ्लुएंजा का या कोई फंगल एंटिटी जो है लंग्स में दाखिल होगी, और जब वो लंग्स में दाखिल होगी तो वो जाके आपके एल्वोलाई पे अटैक करेगी, और जब ये एल्वोलाई का अटैक होता है तो उससे एक काम होता है, दीज बैक्टीरिया दे विल ब्रेक डाउन द लंग्स टिश्यू। ये लंग्स में जाके लंग्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, जब ये लंग्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करेंगे मेरा बेटा, तो लंग्स टिश्यू की ब्रेक डाउन की वजह से पस क्रिएट होगी, देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ फ्लूड। फ्लूड क्रिएट होगा जब लंग्स टिश्यू टूट रहा है, एंड पस क्रिएट होगी। अब ये जो फ्लूड और पस की क्रिएशन है, इसको हम कहते हैं जी कि बंदे को हो गया है नमोनिया। हमने कॉज की बात कर ली, आगे चलते हैं मेरा बेटा सिम्टम्स पे कि कौन कौन सी अलामात हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं व्हेन द समबडी इज सफरिंग फ्रॉम नमोनिया। भाई फीवर होगा, बुखार होगा जी बंदे को, चिल्स महसूस होंगी, कोल्ड महसूस होगा, ठंड लगेगी, बुखार होगा, ठंड लगेगी। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिम्टम है नमोनिया की, और वो है जी कि आपकी बॉडी के कलर का चेंज हो जाना, पर्पलिश कलर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का कलर जो है पूरी बॉडी का वो चेंज हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना, सांस की कमी हो जाना, सांस की कमी का शिकार हो जाना, तंगी का शिकार हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ।
अब ये कुछ अलामत ऐसी हैं बेटा जिसकी वजह से हमें ये आइडिया हो सकता है कि पेशेंट को जो है निमोनिया है। इसमें आप एक और सिम्टम भी ऐड कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर बेसिकली जो ऑक्सीजन है उसकी फरामी कम हो जाती है, उसी की वजह से ये जो बॉडी का कलर है ना ये पर्पलिश हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कॉज भी पढ़ ली, सिम्टम्स भी पढ़ ली, आज जरा क्योर पे कि इसका इलाज क्या है, अगर निमोनिया हो जाए तो आप उससे बच कैसे सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द क्योर बेटा, अब एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं मार्केट में जिनकी वजह से आप निमोनिया से बच सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसे मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ बड़ी कारामद होती हैं। तो निमोनिया के हवाले से भी वी हैव द एंटीबायोटिक्स दैट आर वेरी इफेक्टिव, तो उनको यूज करके फिर निमोनिया से बचा जा सकता है। अब हिस्टोरिकली एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता चलो निमोनिया के हवाले से, एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त से पहले निमोनिया जो था ये छोटे बच्चों में मौत की बहुत बड़ी वजह था। आप ऐसे समझिए कि जितने भी लोगों को निमोनिया होता था उनमें से 1/3 लोगों की डेथ हो जाती थी बिकॉज उनको मेडिकेशन नहीं मिल पाती थी। सो इतना बड़ा इंपैक्ट था निमोनिया का लोगों की जिंदगी पे। निमोनिया के बाद हमारा जो अगला डिसऑर्डर है जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है दैट इज एस्थमा जी। एस्थमा जिसको हम उर्दू में दमा भी कहते हैं उसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब ये जो एस्थमा है मेरा बेटा दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एक तरह की एलर्जी है। अब जब मैंने कहा कि ये एलर्जी है तो ये डेफिनेटली किसी एलर्जन से होगी ना, ऐसे मटेरियल ऐसे केमिकल से होगी, ऐसी चीजों से होगी जो एलर्जी कॉज करते हैं। तो हम कहते हैं जी ये एक एलर्जी है बेसिकली जिसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है जिस एलर्जी के दौरान, ऑफ ब्रोंकाई का जो रीजन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस बीमारी के दौरान। अब मेनली चलते हैं जी इसकी कॉजेस पे कि हमें एस्थमा होता क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये एक एलर्जी है तो डेफिनेटली एलर्जेंस से होगी। अब वो एलर्जेंस जो है उनकी फहरिस्त काफी तवील है, ऐसे समझ लीजिए भाई मुख्तलिफ लोगों को एलर्जी जो है वो मुख्तलिफ एलर्जेंस से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो हैं उनके लिए डस्ट जो है एलर्जेंस का काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए स्मोक जो है वो एलर्जिक होती है, कुछ लोगों के लिए जो पोलन्स होते हैं बेटा वो एलर्जिक होते हैं, वो एलर्जी का काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए परफ्यूम्स या खुशबू जो होती है वो भी एलर्जी का काम करती है, एलर्जेंस का काम करती है और उससे उनको एलर्जी हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास एलर्जेंस के सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो सकती है। अब अगर किसी बंदे को डस्ट से एलर्जी है एंड इफ ही गोज समवेयर जहां पर डस्ट ज्यादा है तो जैसे ही थोड़ी बहुत डस्ट उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना सेंसिटिव होगा कि वो बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्रोंकाई वाले रीजन में, तो हम कहेंगे इस बंदे को एस्थमा हो गया, उसको फिर प्रॉपरली सांस नहीं आएगी। कॉजेस के बाद इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, तो जो सिम्टम्स है ना बेटा एस्थमा की दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस लाइन बिकॉज किसी भी और डिसऑर्डर में ये लाइन नहीं है कि जो सिम्टम्स हैं दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुख्तलिफ लोगों में एस्थमा की जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, बट इफ यू ट्राई टू मेक अ जनरलाइजेशन तो कुछ सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर लोगों में देखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी, सबसे पहली बात बहुत बार हमने इसका जिक्र पढ़ा है, बल्कि मुझे लगता है हमने हर एक डिजीज में ही इसका जिक्र पढ़ा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है जी। इसके अलावा बेटा हीजिंग भी मैं आपको बता चुका हूं, आई होप सो। देखिए बाज औकात जब हम सांस लें ना हमारे सीने पे दबाव हो, हमारे चेस्ट पोर्शन पे दबाव हो और हम सांस लें तो सांस के साथ एक सीटी की सी आवाज आती है, विसल की सी आवाज आती है, उसको हम हीजिंग बोलते हैं। तो एस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेते हुए हीजिंग भी हो सकती है। इसके अलावा कफिंग जी, कफ खांसी का आना, खांसी के अलावा चेस्ट टाइटनेस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एस्थमा के मरीज होते हैं बेटा उनको एक कंटिन्यूस फीलिंग आती है जैसे उनके चेस्ट रीजन में दबाव है कोई,
they feel their chest region very tight, ऐसे जैसे किसी ने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, दबाव लगाया हुआ है. तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एस्थमा. अब सिम्टम्स के बाद अगर हम फाइनली क्योर की बात करें कि एस्थमा का इलाज क्या है, तो भाई जो एस्थमा के मरीज हैं उनके लिए जो सबसे मेन मेडिसिन होती है, सबसे जो मेन चीज होती है, वो होते हैं मेरा बेटा इनहेलर्स. आपने अक्सर देखा होगा एस्थमा के मरीजों के पास इनहेलर्स होते हैं, इतने से होते हैं जिससे वो जो है ना वो अपनी सांस को नॉर्मल करते हैं. तो व्हाट दीज इनहेलर्स डू बेसिकली, दे डायलेट द ब्रोंकाई. ये बेसिकली ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, वाइड कर देते हैं. तो फिर जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो बड़ी आसानी से बहुत स्मूथली होने लग पड़ती है. आज के लेक्चर में मैंने आपको दो डिसऑर्डर्स समझाए. द फर्स्ट वन वॉज नमोनिया एंड द सेकेंड वन वॉज एस्थमा. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.